amidst the Zuku Valley right now. It was finally our time to step into the valley, the Zuku Valley, a place that is out of the world and which probably looks and feels like the most surreal place in India. Now let's get deeper into this green wonderland. Good morning from Zuku Valley, Abhi. Good morning. Good morning. अभी टेंट में ही है. जस्ट लाइक अभी कितना बजा है? 5 बजा. जस्ट वी वोक अप एक्चुअली कुछ देर पहले. अभी आई वॉन्टेड टू शो दिस लाइक ये मतलब ट्विन शेयरिंग टेंट तो है, छोटा सा टेंट जैसा नॉर्मली होता है. एंड यहाँ पे स्लीपिंग बैग्स मिले थे हमें, दो स्लीपिंग बैग्स दोनों के लिए. मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ स्लीपिंग बैग. तो वैसे तुम्हारी नींद कैसी हुई? अच्छा ही हुआ, स्लीपिंग बैग नहीं रहता तो शायद उतना अच्छा नहीं होता. ब्लैंकेट से मतलब, बिकॉज यहाँ पे बहुत फॉगी वेदर है एंड बारिश भी आई थिंक हुआ था थोड़ा बहुत रात को, तो इसलिए नहीं होता तो फिर ठंड लग जाता. हाँ. और आज वापस नहीं जा पाता. यहाँ पे दिस इज वार्म एंड यहाँ पे पिलो नहीं है, तो पिलो इसने तो पिलो नहीं यूज़ किया. मेरे पास सुन ली, इसको मैंने बड़ा कर दिया. और मेरे पास एक मतलब शॉल टाइप का था, वो मैंने रैप अप करके पिलो बना ली. मेरी नींद एक्चुअली उतनी अच्छे से नहीं हुई कल रात, बट पता नहीं क्यों, शायद एकदम ग्राउंड के ऊपर कोई स्पॉन्ज पेपर था और उसके ऊपर ये स्लीपिंग बैग, थोड़ा हार्ड लग रही थी मेरे लिए तो शायद इसलिए, और बॉडी में थोड़ा सा पेन भी था तो इसलिए शायद मतलब उतनी अच्छे से नहीं हुई. हुई थोड़ी बहुत बीच बीच में, बट उतनी अच्छे से नहीं हुई. बट एनी वेज आई शो यू द व्यू नाउ आउटसाइड. एंड आज इंडिपेंडेंस डे है तो उसका भी एक बाहर फ्लैग्स लेके चल रहा है कुछ फोटोशूट, वो भी दिखाते हैं. बिना इलेक्ट्रिसिटी की एक अंधेरे वाली रात के बाद, जहाँ मैं टेंट से निकलते ही साफ मौसम, एक बढ़िया सी सनराइज और खूबसूरत वैली के नज़ारे देखने की ख्वाहिश में थी, वहाँ टेंट खोलते ही हमें हमारा बेस कैंप पूरा बादलों से घिरा हुआ मिला. और वैली तो क्लियर होने की नाम नहीं ले रही थी, बादल ऐसे छाया हुआ था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. 2-3 घंटे बाद निराश होकर हम लोग तो सोचने लगे कि वैली में जाकर कुछ देख भी पाएंगे या नहीं. और कुछ यूँ ही शुरू हुआ हमारा तीसरा दिन नागालैंड में. हेलो क्यूरीज, वेरी क्यूरीज. और अभी तो पूरा फॉगी फॉगी हो चुका है, मतलब काफ़ी देर से फॉगी है, क्लियर होने की वेट कर रहे हैं. और अभी हम लोग वैली की तरफ जाने वाले हैं. हमारे टीममेट्स अभी तो वैली नहीं जाएंगे. और अभी सुबह का काम चल रहा है सबका, सारे टीममेट्स का. हमारा हो चुका है, वी आर ऑल मतलब रेडी. जो 3-4 लोग जाने वाले हैं अभी वैली. सुबह की चाय वैली के साथ. अभी 6 बजा है एंड अभी हल्की हल्की धूप मतलब आने लगी है वैली के ऊपर. ओ हाय, ऑल एवरीबॉडी इज हियर. अभी ऊपर इस तरफ तो क्लियर है, सनराइज इस तरफ हुई है एंड इस तरफ अभी भी फॉगी है. तो वी आर वेटिंग फॉर द बेस्ट, देखते हैं कब तक क्लियर होता है. क्योंकि वो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे थी और मेरी ये ख्वाहिश भी काफ़ी टाइम से थी कि मैं कहीं पहाड़ों पे जाके अपना तिरंगा लहराऊंगी, वो भी यहाँ पे हो गई. ऑल थैंक्स टू अनिर्बान चैटर्जी फ्रॉम आर ग्रुप फॉर ब्रिंगिंग द फ्लैग. इसके बाद वाइल्ड हिल एडवेंचर की टीम के साथ एक ग्रुप फोटो भी हुआ, जिसमें हम 3 जो वैली में निकल गए थे वो नहीं रह पाए. सो जा रहे अब हम वैली के तरफ, जो इस रास्ते से जाना है हमें, सेम तरह का रास्ता एकदम जंगलों के बीच में से. वैली का रास्ता भी ऐसा है, स्लिपरी मतलब मडी रास्ता और जंगलों के बीच में से एंड अंधेरा. नहीं देखिए पूरा मडी. बस
यहाँ पे अभी फोटो सेशन चल रहा है इतने शानदार व्यू के साथ। मतलब जस्ट नज़ारा देखिए, अलग ही लेवल का है। जन्नत और किसको कहते, मुझे तो पता नहीं। So we are amidst the Zuku Valley right now. कैसा लग रहा है सभी को वैली ट्रैक करने के बाद? ये व्यू इट्स वर्थ इट। अभी लग रहा है कि जो भी मेहनत किया है हमने चढ़ाई में, जो भी किया, गिरना पड़ना, एवरीथिंग वाज वर्थ इट बिकॉज़ ऑफ वर्थ एवरी पेनी। मतलब वी कैन आल्सो, वी आर एक्चुअली पेइंग मोर फॉर इट। मतलब हमारी टीम एक्चुअली निकल गई है या निकलने वाली है अभी, बट हम चारों, मतलब चार नहीं तीन आए हैं अभी, मी, प्रतिश्रुति एंड रोहित। सौम्यजीत अभी भी कैंप में है, मतलब वो कल आया था। प्रतिश्रुति और सौम्यजीत कल शाम को वैली में आए थे, तो इसलिए सौम्यजीत आज वैली में नहीं आया। 8:30 बजे आए, अभी ऐसा वेदर है, जस्ट लाइक आई वॉज होपिंग और एक्सपेक्टिंग। क्लियर हो रही है अभी धीरे धीरे, एंड यही तो इन्जॉय करना था हमें, तो इसके लिए वी आर एक्चुअली पेइंग एक्स्ट्रा। हम लोग बाद में जाएंगे टेम्पो करके, तो उसके लिए 2000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा हम चारों को, क्योंकि हमें आज टाइम है, आज हम जाएंगे खोनावा, सो वी हैव टाइम, एंड इसलिए वी आर हैविंग द फुलेस्ट ऑफ Zuku Valley। एकदम लाइक वी आर एट द मिडल ऑफ द वैली। यहाँ पे यहाँ से तो एक, मतलब बाय द वे नीचे नदी भी दिख रही है यहाँ से। वी आर एट दैट पॉइंट, नदी की आवाज़ आ रही है और दिख रही है नीचे नदी, एंड मिडल में है वैली के, मतलब 360 डिग्री व्यू आ रही है यहाँ से। देखिए भाई, लोग बोल रहे थे कि वैली में फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं, ऊपर तो नहीं है, पर नीचे आने से देख पा रहे पूरा फ्लावर से भरा हुआ है यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर, डिफरेंट शेड्स एंड कलर्स ऑफ फ्लावर्स। सो दिस इज़ वाई Zuku Valley इज़ ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ फ्लावर्स। और कुछ कुछ फ्लावर्स तो एकदम सेम है जैसे हम एक्चुअली वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में देखते हैं, पर यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो है Zuku Lily, जो आपको पूरे दुनिया में सिर्फ यहाँ Zuku में ही मिलने वाली है। पर Zuku Lily देखने के लिए आपको जून या जुलाई के फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर ही आना है, उसके बाद Zuku Lilies नहीं मिलते हैं। प्रतिश्रुति भी व्लॉग बनाने लग गई है यहाँ पे, व्लॉग रील, एंड सी दिस लोकेशन, द फ्लावर्स, द व्यू, दिस हल्का सा पानी में बुशेस जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब इमेंसली ब्यूटीफुल, इमेंसली ब्यूटीफुल। रिवर आ गए हैं, रिवर की तरफ जा रहे हैं अभी, और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, कैसा लग रहा है सभी को? बहुत ही अच्छा व्यू है, एंड बहुत ही अच्छा व्यू है, हेवनली, जो किसी और जगह पे नहीं मिल सकता।
Now I'm actually feeling like singing. ये कहाँ गए इफेक्ट है इसके ऊपर अभी तो कुछ पोर्शंस शेडेड है कुछ पोर्शंस में ग्रीन कलर मतलब लाइटेड है तो देख सकते हैं डिफरेंस आप यहाँ पे जो मतलब वैसे ही तो मतलब डिफरेंट शेड्स है पहाड़ों में और ऊपर से Talking about the best time to visit Zuku Valley, it can be visited round the year, but it also depends upon your priority. If you want to see Zuku Lily, then June to July is your time. If you want to enjoy the lush green valley at its peak beauty, then June to September is your time. Or if you want to have a chilling and clear weather with pretty sunrises and sunsets, but not so green valley, then November to February is your time. Like I said, it feels like the most surreal place. यहाँ पे आके it actually does with all the lush green rolling mountains around you, untouched by the majority of the world. It honestly felt like we were in some other green planet. मेरी बस चलती तो मैं यहाँ पे अपनी दुनिया बना लेती. But we had to make our way back in some time because ज़िंदगी तो चलनी है किसी तरह से. लग रहा है वी आर सेइंग बाय बाय टू द वैली अभी वापस जा रहे हैं राइट नाउ वी आर 11 पीपल इन द वैली हु आर गोइंग बैक हम तीन हैं यहाँ पे बाकी सामने दो लोग हैं सामने और लोग हैं आगे बाकी इन लोग के साथ लोग वापस जा रहे हैं बेस कैंप में और अभी फिर से ये नदी क्रॉस करनी है सब लोग जूता हाथ में ले लिया है ऑलरेडी ये देखिए 11:30 11:30 बजा है अभी बेस कैंप में पहुंच गए हम लोग शुरू कब किए थे 8 बजे ना अराउंड हाँ अराउंड 8 बजे शुरू किए थे और 11:30 बजे पहुंच गए स्लो ही वॉक किए मतलब ऑब्वियसली इस जगह पे कोई फास्ट वॉक मतलब करने का मन ही नहीं होता है स्लोली एंजॉइंग द व्यू बाकी लोग नहीं खाएंगे बट मुझे थोड़ा भूख लगी है अभी तो मैगी वैगी खा के निकलेंगे डाउन ट्रैक कोहिमा तक जाएंगे और कोहिमा से आज खोनोमा जाना है होम स्टे में चलिए एक टीम निकल रही है उनके साथ अभी जिन लोगों के साथ वैली में गए थे उन लोगों के साथ ही नीचे जाएंगे अभी एंड वी फोर आर बेसिकली गोइंग डाउन नाउ ऑल सेट सेइंग बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल लोकेशन वुड हाईली रिकमेंड दिस जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं एडवेंचरस है मेरी तरह और अभी मौसम बहुत अच्छी है मतलब सूरज है क्लियर है काफ़ी देर से क्लियर है होप ऐसा ही रहे आई डोंट नो बट जस्ट होप ऐसा ही रहे जूता वूता गीला है अभी भी तो ये धूप रहना चाहिए अभी जखा मामा ब्रीफिंग के टाइम हमें पहले ही ये इन्फॉर्म कर दिया गया था कि चढ़ते टाइम तो वाइल्ड हिल एडवेंचर के पोर्टर्स हमारे स्लीपिंग बैग्स लेके चढ़ जाएंगे पर उतरते टाइम हमें स्लीपिंग बैग्स कैरी करनी होगी ये देखिए ऐसा नज़ारा यहाँ पे हल्का हल्का धूप हल्का हल्का एकदम और यहाँ पे देखिए बादल किस तरह से एंट्री ले रहा है यहाँ पे मतलब अमेजिंग अमेजिंग वेल कुछ देर चले लाइक काफ़ी दूर आ गए वी आर एज्यूमिंग दैट आधा रास्ता हुआ है और आधा बाकी है मतलब ऐसा ही कुछ लग रहा है वॉक करते करते तो एनीवेज अभी ये जगह थोड़ा मतलब अच्छा था व्यू भी अच्छा था बैठने के लिए भी रिलैक्स करने भी के लिए भी अच्छा था तो हम लोग ऐसे मतलब मैदान की तरह खुले मैदान में जैसे जब वैसे बैठते बस बैठ गए और बातें चल रहे मेमोरीज बना रहे हैं
यहाँ पे मैंने अच्छे से ट्रैक रूट नहीं दिखाई है. इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रैक रूट, लाइक हाउ इज़ द ट्रैक रूट एग्जैक्टली एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं. तो ऑलमोस्ट 4 बज गया है और अभी 1 किलोमीटर बाकी है. फर्स्ट आते वक्त, लौटते वक्त लास्ट जो 1 किलोमीटर है सबसे स्टीप वाला, वही कर रहे हैं अभी. वही अभी और अराउंड 1 किलोमीटर बाकी है. टायर्ड फेसेस, ऑल एग्जॉस्टेड. इसका सोमजीत का तो एक पैर भी ट्विस्ट हो गया है बेचारा. रोहित का बैग हैवी हो गया था उस दिन और सोमजीत को मोच आ गई थी, इसलिए थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम हो रही थी. वो देख के सम वेरी जनरस लोकल पीपल वांटेड टू हेल्प अस बाय कैरिंग देयर बैग्स, एंड इन रिटर्न रोहित ने मेरा बैग थोड़ी देर कैरी कर लिया और उन लोगों का एक छोटा सा बैकपैक सोमजीत ले लिया. और ट्रैक खत्म होने पर जहाँ पे हमें गाड़ी मिलने वाली थी वहीं पर वो लोग वेट कर रहे थे हमारे बैग्स लेकर. तो 4:30 बज चुका है, ऑलमोस्ट 5 बजने वाला है और व्यू पॉइंट पर आ गए. अभी बारिश भी चालू हो गई है. हमारी गाड़ी ये है हमारे लिए, 4 लोगों के लिए, जो गाड़ी यहाँ पे रिया से, जिस गाड़ी से हम जखामा होमस्टे तक जाएंगे अभी. तो फाइनली ट्रैक ख़त्म हुई हमारी, अभी जखामा के ओर जा रहे हैं. सब मैं पीछे बैठे हुए टायर्ड. फाइनली ख़त्म हुई. सो बाय द वे इट वाज देयर फर्स्ट ट्रैक, ये दिन मेरे फ्रेंड्स के फर्स्ट ट्रैक था ये. How was your first track? As your first track, कैसी लगी? Awesome, excellent. Is it you people can judge? Like, is it a beginner's track? No, not at all. Not a beginner's track. Yeah. Actually, क्योंकि tough है. मतलब at least I would recommend कि एक या दो experience तो होना चाहिए. उसके बाद आ सकते हैं. Otherwise, यहाँ पे first track is very difficult, but सभी ने मतलब अच्छे से ट्रैक कम्प्लीट किया है विदाउट मतलब एनी डिफिकल्टीज एंड इंजरीज. तो थोड़ी बहुत छोटे मोटे चोटें आई, बट दैट्स ओके, चल जाता है वो. इट डेफिनेटली गेव देम एनर्जी एंड एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस फॉर देयर नेक्स्ट ट्रैक, है ना? एब्सोल्युटली. और ये एक अच्छी बात है कि हमें लौटते टाइम फिर से ओपन राइड वाली वो टेम्पो नहीं मिली, क्योंकि और एडवेंचर नहीं करनी थी हमें. हमें प्रॉपर सुमो मिल गई जिसमें बैठ के जा सकते थे, वरना तो हालत ख़राब हो जाती. जस्ट जखामा पहुँचे हैं हमारे होम स्टे में. हमारे ओला लगेजेस जो है, एक्स्ट्रा लगेजेस जो रख के गए थे वो सब लेके अभी जाएंगे कोहिमा. एंड अभी जा रहे खाने के लिए. शाम हो गई है, हम खाना लेकर वेट कर रहे थे ये लोग. हम मतलब पहुँचते पहुँचते शाम हो गई. सो वी हैव नॉन वेज राइट नाउ सभी के लिए. जिसने हमें एकदम पहले दिन कोहिमा घुमा के जखामा में ड्रॉप किया था, थैंकफुली उनके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी, तो हम लोग उन्हीं को बुला लिए जखामा से खोनोमा तक ड्रॉप करने के लिए. और 2500 में पहुंचा दिया हमें खोनोमा तक. पर नागालैंड में यूजुअली कोई 6 बजे के बाद टैक्सी हायर नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि नागालैंड में नाइट जर्नी के लिए नाइट चार्जेस अलग से लग जाते हैं. मैंने सबको नाइट जर्नी कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है. नाइट जर्नी कैसी लग रही है? अब तक तो सुबह सुबह ट्रैवल किए थे. अभी आई एम इन वेरी रियली रियली एंजॉयिंग इट. आई एम अ बिट नर्वस बिकॉज़ यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है. हाँ. जो हेडलाइट्स है गाड़ी का उससे ही चल रहा है. हाँ, किसी किसी जगह में स्ट्रीट लाइट है, जब जहाँ पे लोकेलिटी है या फिर घर है वहाँ पे होटल्स वगैरह है, दुकानें हैं वहाँ पे है लाइट्स, और बाकी एरिया में लाइट नहीं है. पहाड़ों में ऐसे ही होते हैं, पहाड़ों में यू वोंट गेट स्ट्रीट लाइट्स एवरीवेयर. व्हाट अबाउट अदर्स? इट्स वेरी सूदिंग एक्चुअली.
It's very soothing, yeah. Madhav, apart from that, I have a good friend. He's a very good guy actually. Yeah. Apart from that, it's a very good feeling. Yeah, yeah. वैसे ये प्लान तो नहीं थी, सुबह सुबह शाम तक पहुंच जाते थे शायद, बट ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छी लग रही है। 10:30 बजे शायद चेक इन करेंगे हम लोग होम स्टे में होनोमा में, तो बेसिकली इट्स अ नाइट ड्राइव, वी एंजॉयिंग। सो वी हैव रीच्ड होनोमा और चेक इन कर लिए 10 बजे, रात को 10 बजे चेक इन कर लिए एंड कुछ देर में खाएंगे, खाके टुडे इज द लास्ट नाइट प्रैक्टिकली, टुमारो वी हैव द होल डे बट नॉट द नाइट, कल रात को ट्रेन है हमारी, सो थोड़ी बहुत बातें शातें होगी आज रात और फिर सो जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जुकू वैली, होप यू एंजॉय द लवली व्यू एंड द अमेजिंग प्लेस अलॉन्ग विद अस। होनोमा भी बहुत खूबसूरत जगह है, इट्स द फर्स्ट एशियाज फर्स्ट ग्रीन विलेज, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द विलेज टुमारो, होनोमा विलेज, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग जो कि होने वाला है होनोमा के व्लॉग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बी हेल्दी बी हैप्पी एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स।